हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्ड फिनो। दोस्तों, मैंने अपने क्रेडिट कार्ड के सारे ट्रांजेक्शन एक्सिस के एटलस कार्ड पे मूव किए थे, लेकिन रिसेंटली मैंने अमेरिकन एक्सप्रेस का प्लैटिनम ट्रैवल कार्ड लिया है और मैं अपने साल के पहले 4 लाख के जो भी ट्रांजेक्शन है वो इस कार्ड पे मूव करने वाला हूँ। दोस्तों, इस कार्ड पे मुझे इंश्योरेंस, फ्यूल, गवर्नमेंट पेमेंट, रेंट पेमेंट, यूटिलिटीज और इवन ईएमआई पे भी मुझे मैक्सिमम 12.5% तक का रिटर्न मिल सकता है और मिनिमम 5% तक का रिटर्न मिल सकता है। दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में मैं इस कार्ड के पूरे डिटेल बताऊंगा और ये सारी फीचर्स बताऊंगा कि किस तरह से आप इस कार्ड को यूज कर सकते हैं बेस्ट वे में, जिसमें आपको फ्यूल, रेंट पेमेंट या फिर गवर्नमेंट पेमेंट, एनपीएस पेमेंट, इन सब पे बाकी कार्ड तो आपको कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं देते, पर ये कार्ड आपको मिनिमम 5% या मैक्सिमम 12.5% तक का रिटर्न दे सकता है। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलो इसके वेलकम बेनिफिट की बात करते हैं। अगर दोस्तों ये कार्ड अगर आप लेते हैं और फर्स्ट 90 डेज में 15,000 तक का ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको 10,000 के मेंबरशिप रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, जिनकी वैल्यू अराउंड 3,000 रुपीज के आसपास होती है। लेकिन अगर आप दोस्तों मेरे रेफरल लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उस पर अप्लाई करेंगे तो आपको ये कार्ड फर्स्ट ईयर फ्री मिलेगा और उसके अलावा भी आपको 2,000 के मेंबरशिप रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलेंगे। तो दोस्तों, आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो इस लिंक पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको फर्स्ट ईयर फ्री मिलेगा, 2,000 के रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलेंगे। अगर आप सीधा लिंक से अप्लाई करना चाहते हैं तो उससे भी कर सकते हैं, उसमें आपको 10,000 के मेंबरशिप रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे, लेकिन उसके लिए कंडीशन होगी फर्स्ट 90 डेज में आपको 15,000 का ट्रांजेक्शन करना होगा। और दोस्तों, इसके रिवॉर्ड स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो दोस्तों ये एवरी 50 रुपीज पे आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट देता है। दोस्तों, ये एवरी 50, एवरी 100 और एवरी 200 की बात को भी समझे, जैसे मैग्नस जो है वो एवरी 200 पे आपको रिवॉर्ड देता है और एटलस है वो एवरी 100 पे देता है और ये कार्ड एवरी 50 रुपीज पे देता है। यानी अगर आपका 387 का ट्रांजेक्शन है जस्ट सपोज, तो आपको अगर मैग्नस से किया है तो वो 200 के मल्टीपल में नहीं है, तो फर्स्ट 200 पे ही आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। एटलस है तो 100 के मल्टीपल में यानी 300 रुपीज पे ही मिलेंगे, और अगर ये कार्ड आप यूज करते हैं, सिंस ये 50 का मल्टीपल है, तो 350 रुपीज का जो ट्रांजेक्शन हुआ है 387 में, 350 रुपीज पे आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा, यानी एक रिवॉर्ड पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। और ये जो रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं दोस्तों, इंश्योरेंस, गवर्नमेंट पेमेंट, यूटिलिटी बिल पेमेंट, फ्यूल और ईएमआई पे और कैश ट्रांजेक्शन पे आपको रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैंने इनिशियली क्यों बोला था कि इस पे मिलेगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखिए, उन सब पे आपको मिलेगा। ये बेस रिवॉर्ड है वही आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आगे जो माइलस्टोन बेनिफिट है उन सब पे ये कैटेगरी शामिल है। तो अगर आप माइलस्टोन बेनिफिट कवर करेंगे तो आपको इन सब पे 12.5% तक का आपको वैल्यू बैक मिल सकता है। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि जो रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं इनकी कोई भी एक्सपायरी नहीं है। जब तक आपका कार्ड ये एक्टिव है तब तक ये पॉइंट्स एक्सपायर नहीं होंगे, एक्टिव रहेंगे, आप इनको एक्यूमुलेट करके कितना भी कभी भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से एक्सिस की ग्रैब डील्स होती है, HDFC की स्मार्ट बाय होती है, ऐसे ही अमेरिकन एक्सप्रेस की कार्ड रिवॉर्ड मल्टीप्लायर की एक साइट है, वहां से अगर आप अमेजन, अजियो, मिंत्रा किसी पे भी रीडायरेक्ट होकर शॉपिंग करते तो वहां पे आपको 3x रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे, यानी एवरी 50 रुपीज पे आपको 3 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। तो दोस्तों, जो मैंने माइलस्टोन बेनिफिट की बात करी थी, वो माइलस्टोन बेनिफिट की बात कर लेते, तो इसमें 2 माइलस्टोन बेनिफिट हैं आपको। अगर आप एक कार्ड मेंबरशिप ईयर में, दोस्तों कैलेंडर ईयर नहीं है, कार्ड मेंबरशिप ईयर, यानी जिस दिन आपको कार्ड मिला वो उससे एक साल तक अगर आपने 1,90,000 अगर आपने खर्च किए हैं इस कार्ड पे, तो आपको 15,000 के रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा इस पे आपको बेस रिवॉर्ड भी मिलेंगे, अगर आप 50 रुपीज के 1 रुपीज के हिसाब से करते तो 1,90,000 के हिसाब से आपको 3,800 के आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, यानी 15,000 प्लस 38,000 यानी 18,800 के आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। और इसके अलावा अगर आप 4 लाख तक का अगर आप कार्ड मेंबरशिप ईयर में स्पेंड कर लेते हैं तो आपको एडिशनल 25,000 मेंबरशिप रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे, यानी 15,000 तो फर्स्ट माइलस्टोन के, 25,000 आपको सेकंड माइलस्टोन के मिलेंगे। इसके अलावा बेस रिवॉर्ड पॉइंट अगर कैलकुलेट करूं तो 4 लाख के हिसाब से 50 रुपीज का 1 रिवॉर्ड पॉइंट के हिसाब से 8,000 के आपको रिवॉर्ड पॉइंट और मिलेंगे, यानी 15 प्लस 25 प्लस 8,000 यानी 48,000 के आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। और दोस्तों, इसके अलावा आपको अगर 4 लाख का आपने माइलस्टोन अचीव कर लिया तो 10,000 का आपको ताज और विवांता का वाउचर भी मिलेगा, यानी अगर आप पूरा अगर रिटर्न वैल्यू गिने तो 48 को आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं और 10,000 के आपको ताज का वाउचर मिला, यानी 58,000 का आपको रिटर्न मिल रहा है 4 लाख पे, यानी ये हो जाता है 14.5% वैल्यू। अगर इसमें आप एक्सक्लूजन कैटेगरी की भी बात करें तो इवन अगर आप 4 लाख अचीव करते हैं इंश्योरेंस पेमेंट करके, रेंट पेमेंट करके, फ्यूल पे पेमेंट करके, गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन, एनपीएस
यूटिलिटी बिल पेमेंट या फिर ईएमआई पे भी अगर आप कन्वर्ट करते हैं तब भी आपको ये रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। उसमें आपको सिर्फ बेस रिवॉर्ड पॉइंट जो 8,000 वही नहीं मिलेंगे, लेकिन जो माइलस्टोन के 40,000 आपको जो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे वो मिलेंगे ही आपको, और प्लस आपको ताज का वाउचर भी मिलेगा। यानी आपको 40 प्लस 50,000 तक का आपको रिटर्न मिल जाएगा 4 लाख पे। यानी ये वो कैटेगरी जिसपे बाकी क्रेडिट कार्ड तो कोई रिवॉर्ड नहीं देते, उस पर 4 लाख पे आपको 50,000 तक का आपको वैल्यू बैक मिल सकता है। और इसके अलावा अगर आप स्टेटमेंट में भी रिडीम कराना चाहते हो, जो सबसे वर्स्ट कैटेगरी उसमें कम सबसे कम मिलता है, उस केस में भी आपको 5% तक का वैल्यू बैक मिल जाता है। यानी इन फ्यूल रेंट पेमेंट गवर्नमेंट पे आपको 5% का रिटर्न बाय डिफॉल्ट मिल जाता है आप स्टेटमेंट में भी, अगर आप इसको रिडीम करना चाहते हैं। और दोस्तों माइलस्टोन के बारे में एक बात और ध्यान रखें, बहुत ही वियर्ड सी बात है कि जो ये फर्स्ट माइलस्टोन पे 15,000 के जो रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं या फिर 25,000 के जो 4 लाख पे जो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं माइलस्टोन बेनिफिट में, वो आपको सिर्फ हाफ क्रेडिट करेंगे। यानी फर्स्ट माइलस्टोन पे आपको 7,500 करेंगे और जो 4 लाख का जो माइलस्टोन है उस पर 12,500 के जो रिवॉर्ड पॉइंट्स है वो ही वो आपको क्रेडिट करेंगे। बचे हुए जो 50% आपको जो रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं उसके लिए आपको उनके कस्टमर केयर पे कॉल करना होगा और बोलना होगा कि मैंने माइलस्टोन अचीव कर लिया है, अब मेरे बाकी रिवॉर्ड पॉइंट्स आप क्रेडिट करिए। तो ये बहुत ही वियर्ड चीज है लेकिन ये ही प्रोसेस है, तो अगर आप ये कार्ड लेते हैं तो ये बात को जरूर ध्यान रखें। तो दोस्तों आप इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को 5 तरह से रिडीम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो है इनके पार्टनर प्रोग्राम्स की। तो आप वो स्क्रीन पे देख सकते हैं कि बहुत सारे पार्टनर प्रोग्राम्स है, सिंगापुर एयरलाइंस का और आपको मैरियट का मिल जाएगा और बहुत सारे जो इनके पार्टनर्स है उस पर कर सकते हैं। लेकिन सबसे जो बेस्ट कन्वर्जन रेट मिलती है वो मैरियट बॉनवे में मिलती है, जहाँ पे आपको 1,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स पे आपको 1,000 की वैल्यू मिलती है, यानी 1:1 का आपको कन्वर्जन मिलता है। तो अगर आप पार्टनर प्रोग्राम में रिडीम करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मैरियट बॉनवे में आप इसको कन्वर्ट करिए, वहां पे आपको 1:1 की वैल्यू मिलती है। और एक मैरिट बॉनवे जो है उसकी वैल्यू डिपेंडिंग ऑन द डेट और आप कहाँ पे बुक कर रहे हैं उसमें 0.5 to 1% तक की आपको कन्वर्जन वैल्यू मिल सकती है। और मैरिट बॉनवे में लग्जरी से लेके मिड रेंज से लेके बेसिक वाले भी 4.6 रिटर्न और कोटेयर मैरिट भी शामिल है। आप स्क्रीन पे पूरी लिस्ट देख सकते हैं, उसमें रिट्स कार्टन प्रीमियम कैटेगरी में, ली मेरिडियन मीडियम कैटेगरी में, ये सारी कैटेगरी में आपको होटल्स मिल जाएंगे, उसमें भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। उसमें कन्वर्ट करते हैं तो आपको ऑलमोस्ट 14.5% तक का वैल्यू बैक मिल जाएगा। सेकंड जो हम बात करते हैं उसके लिए, अगर आप एमएक्स की खुद की एक ट्रैवल की साइट है वहां पे जाके अगर आप फ्लाइट या होटल बुक करते हैं तो वहां पे आपको 0.3 का कन्वर्जन मिलता है, यानी एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 0.3 रुपीज होगी, तो उसमें आप रिडीम कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन जो है वो है आप अमेजन फ्लिपकार्ट या किसी भी जो भी साइट से, बहुत सारे वाउचर्स अवेलेबल है, आप उनके वाउचर्स खरीद सकते हैं, उसमें आपकी जो कन्वर्जन वैल्यू मिलेगी वो आपको 0.25% मिलेगी, वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पे विद पॉइंट्स का भी एक ऑप्शन होता है, इन्हीं की साइट से भी आप अमेजन या उनपे सीधा रिडायरेक्ट होके आप ये अमेजन के पॉइंट्स भी आप इनको रिडीम कर सकते हैं, उसमें भी आपको जो वैल्यू बैक है वो 0.25% मिलेगी। इसके अलावा अगर आप स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो स्टेटमेंट में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी आपका जो भी आपका बिल पेमेंट है उसके अगेंस्ट में ये रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम कर सकते हैं, उसमें भी आपको 0.25 का कन्वर्जन रेट मिलता है। ये सबसे मिनिमम कैटेगरी है। तो इस हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो जो 40,000 के आपको जो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, 10,000 का तो ताज का वाउचर तो मिलेगा ही आपको 4 लाख अचीव करने में, 40,000 का जो आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं उनकी भी अगर आप स्टेटमेंट में भी कन्वर्ट करते हैं, यानी 10,000 के आपको जो कैश की तरह आप इसको रिडीम कर सकते हैं एक तरह से, क्योंकि स्टेटमेंट में आ रहा है तो कैश ही है, तो 4 लाख पे अगर आपको 10,000 का आपको रिटर्न मिल रहा है तो ये 0.25% हो जाता है, प्लस 10,000 का ताज का वाउचर भी मिलता है, यानी 20,000 की आपको वैल्यू मिल जाती है। तो ये हिसाब से करें तो आपको 5% का रिटर्न मिल रहा है सबसे मिनिमम कैटेगरी में, सारी कैटेगरी मिला के भी और आप स्टेटमेंट में भी जनरेट कर। इसके अलावा अगर आप मेरिट में कन्वर्ट करते हैं तो आपको 14.5 का वैल्यू बैक मिलेगा। इसके अलावा अगर हम डोमेस्टिक लाउंज की बात करते हैं तो इसमें आपको 8 कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज मिलते हैं, 2 पर क्वार्टर मिलते हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके अलावा एक और एडवांटेज ये है कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे आपको डिस्काउंटेड रेट पे भी ये कार्ड आपको एप्लीकेबल हो सकता है, यानी अगर आपकी लाउंज की लिमिट एक्सीड हो गई है तो आप एक्चुअल प्राइस से डिस्काउंटेड रेट में भी उस लाउंज को एक्सेस कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आपके साथ अगर कोई फ्रेंड है या कोई और आपकी फैमिली मेंबर है तो आपकी लिमिट एक्सीड होगी तो आप इसको डिस्काउंटेड प्राइस में भी अराउंड 500 या 700 में भी लाउंज का एक्सेस कर सकते हैं। बस एक बात ध्यान रखें कि एमएक्स का एक जो प्रोप्राइटरी लाउंज होता है जो बहुत ही प्रीमियम कैटेगरी का होता है वो इस कार्ड पे आपको नहीं मिलेगा, वो सिर्फ एक प्रीमियम उनका कार्ड है उसी के लिए एप्लीकेबल है, बाकी सब पे ये एप्लीकेबल रहेगा। इसके अलावा और अदर बेनिफिट की बात करें तो उसमें जो डाइनिंग डिलाइट के ऑप्शन हैं, यानी 20% तक के आपको डिस्काउंट मिल सकते हैं, उनकी साइट है वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं आपके सिटी में जो भी रेस्टोरेंट इस
पे एलिजिबल है, उस पर आपको 20% तक का डिस्काउंट मिल सकता है ये कार्ड यूज करने पे। आप अगर फ्यूल यूज करते हैं, आप फ्यूल भराते हैं HPCL पे, आपको जो फ्यूल कन्वीनियंस जो फी होती है वो वेव हो जाएगी आपकी। इसके अलावा 3 मंथ्स का जोमेटो का आपको जो गोल्ड मेंबरशिप है वो भी आपको मिलेगी। उसके लिए आप जब भी कार्ड लेते हैं और 1 महीने बाद आपके ईमेल में वो कूपन आएगा। आप ध्यान रखिए, अगर आप जीमेल यूज कर रहे हैं तो वो हो सकता है स्पैम में भी चला जाए, तो आप वो ध्यान रखिए कि आपको वो जो कूपन कोड आएगा वो आपको कोड यूज करके आप उसको रिडीम कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा हम फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो जो फर्स्ट ईयर जो फीस होती है वो 3500 प्लस GST यानी 41,300 रुपीज़ की इसकी फीस होगी। लेकिन अगर आप मेरे दिए हुए लिंक से अप्लाई करेंगे तो आपको फर्स्ट ईयर फ्री मिल जाएगा, ऊपर से आपको 2000 के रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलेंगे। बस ज्वाइनिंग और जो वेलकम बेनिफिट है वो नहीं मिलेंगे, लेकिन वो जो वेलकम बेनिफिट है वो उसकी वैल्यू अराउंड 3000 होती है। तो मेरे हिसाब से आप इस यहाँ पे अगर मेरे लिंक से अप्लाई करते हैं तो 4000 की वैल्यू आपकी बच जाएगी, क्योंकि फर्स्ट ईयर फ्री है और प्लस 2000 के रिवॉर्ड पॉइंट्स भी आपको मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप एनुअल फीस की बात करते हैं, अगले साल रिन्यूअल फीस की बात करते हैं, तो वो होगी 5000 प्लस GST यानी 5900 इसकी फीस होगी। बट मेरे हिसाब से वो भी जो एक्सक्लूजन कैटेगरी है, इंश्योरेंस, आपका रेंट पेमेंट, गवर्नमेंट पेमेंट, NPS बिल, यूटिलिटी बिल पेमेंट, इन सब पे जो आपको ये रिवॉर्ड दे रहा है उसके हिसाब से आपके रिन्यूअल फीस भी मेरे हिसाब से वसूल हो जाएगी। तो आप ये कार्ड जरूर अप्लाई करिए और मेरे ख्याल आप सारे ट्रांजेक्शन इस कार्ड पर मूव कर सकते हैं। एटलीस्ट आपके जो फर्स्ट 4 लाख के जो ट्रांजेक्शन है वो इस कार्ड पर मूव कर सकते हैं, क्योंकि बेस रिवॉर्ड पॉइंट अगर इवन इन्फिनिया की भी बात करें वो भी 3.33% देता है, और अगर ये बात करें तो ताज का वाउचर मिला के ये 5% का रिटर्न दे देता है। और दोस्तों इस कार्ड की एलिजिबिलिटी भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं और वहां पे आप देख सकते हैं कि ये कार्ड आपके लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो दोस्तों ये सारी चीजें मैंने कवर की हैं। इसके अलावा आपके पास कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट में लिख के बताइए, मैं जरूर आंसर करने की कोशिश करूंगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रॉम कार्ड फिनो।